मेराज जिस्मानी हुजूर अलैहिस्सलाम की, अगर मेराज रूहानी होती तो मुझे बताइए, आज हमारे यहां फजर की नमाज में एक आदमी आनकर ये कहे कि मौलाना रात मैंने ख्वाब देखा, मैं अमेरिका गया, अमेरिका से बर्तानिया आया, बर्तानिया से यूरोप घूमा, उसके बाद उमरा किया, उसके बाद सही की, अब जब उठा सुबह बिस्तर में था, कोई एतराज करेगा? कोई इतना कहे भाई ख्वाब में तो होता ही रहता है ये सारा, अगर ये ख्वाब होता तो कोई एतराज करता? और हुजूर ख्वाब में देखते तो क्या कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज का इनकार करता? मेराज चूंकि जिस्मानी थी इसलिए काफिरों ने इनकार किया, और खुद कुरान की आयत भी यही कहती, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिहि, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गया। तो बंदा रूह और जिसद दोनों को कहा जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को ये शब मेराज जो है ये रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी। अब लोग जो इस पर एतराजात करते हैं वो बहुत तवील है। मसल सबसे बड़ा एतराज अहले हदीस और मेराज के मुनकरों का ये, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर को मेराज जिस्मानी नहीं रूहानी, इसलिए कि जिस दिन हुजूर को मेराज थी तो मैंने हुजूर के जिस्म को गुम नहीं पाया बल्कि वो तो मेरे पास मौजूद थे, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी। लोग ये लेकर के बैठ गए। किसी मुहक्किक का नाम तारीख दा होना भी बहुत जरूरी। अब आप लगाइए और फरमाइए, मशहूर यही है और बुखारी शरीफ वगैरह इन हदीसों से भी ये साबित, अगरचे इसमें कुछ कलाम भी है, 6 साल की उम्र में हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर की मंगनी हुई। सब इस पर मुत्तफिक हैं कि जब हुजूर मदीने शरीफ गए तो मदीने शरीफ में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की रुख्सत हुई। ठीक, अब मुझे बताइए ये मेराज का वाकया कहां का है? खुद कुरान से पूछिए, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, ले गया रब्बे करीम हुजूर को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की जानिब। तो मस्जिद हराम कहां है? मक्का मुकर्रमा में। तो हुजूर को जब मेराज हुई तो हजरत आयशा सिद्दीका तो हुजूर के घर में भी नहीं आई। अब कैसे गवाही मोतबर होगी कि हजरत उम्मुल मोमिनीन कहती है हुजूर के बदन को मैंने गुम नहीं पाया? तो भाई हुजूर के तो घर में वो मौजूद ही नहीं, कैसे गुम पाया? और आइए काजी अयाज ने उससे कलाम किया। एक कौल यह है कि हुजूर को मेराज 41 साल की उम्र में हुई या 42 साल की उम्र में हुई मेराज। अगर मान लिया जाए 41 और 42 साल में हुजूर को मेराज हो, हजरत आयशा सिद्दीका तो पैदा भी नहीं हुई, वो कैसे कहती हैं कि हुजूर के बदन को मैंने गुम नहीं पाया? तो गवाह तो तगड़ा लाऊं जिससे पता लगे। इसलिए इस पर जिरा और तादील से बहस की जाए, ये हदीस तो काबिल कबूल ही नहीं कि हजरत उम्मुल मोमिनीन कहते हैं मैंने हुजूर के बदन को गुम नहीं पाया। अब चूंकि हजरत उम्मुल मोमिनीन हमारी भी मां है, इस एतराज को रफा करना ये हमारा काम है। अब सुनिए, वो बिल्कुल सच कहती हैं। वो क्यों सच कहती हैं? शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बर्र सगीर अजीम मोहद्दिस, जिनका विसाल 1052 हिजरी में हुआ, शेख मुहक्किक कहते हैं कि हुजूर को 34 मेराजें हुई, एक मेराज जिस्मानी थी और 33 मेराजें रूहानी थी। तो हजरत आयशा सिद्दीका किसी रूहानी मेराज का जिक्र कर रही, और उस एतराज को तुम जिस्मानी मेराज पर लेकर आ रहे, यहां तो उनकी गवाही मोतबर नहीं। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज जो है वो जिस्मानी हुई, जिसके दलायल काजी अयाज ने अपनी किताब किताबो शिफा में नकल किए, और फिर उसके बाद में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह उसकी शरह में बेशुमारों दलालों को और मजबूत करके बयान किया। फिर उसके बाद उसकी शरह अल्लामा शाहबुद्दीन खिफाजी ने उसको भी बहुत शानदार तरीके से बयान किया, और अहले सुन्नत के मजहब के मुताबिक पूरी इसकी तफसील शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की मदारिजुन नबुव्वत में मौजूद है।